सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। माय नेम इज मितेश भारद्वाज एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार, जो हमारे पास अभी मेजर डाउट आ रहा है बच्चों का, ये आ रहा है जो 2022 एस्पिरेंट है। आप भी एक 2022 एस्पिरेंट है तो नीचे लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, जिससे हमारे अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहे। ठीक है, तो मिनिमम परसेंटाइल या सेफ परसेंटाइल क्या होगी सीएस ब्रांच लेने के लिए, ठीक है, टॉप एनआईटीज के अंदर 2022 के अंदर। 2022 का पेपर कब होगा? मोस्ट एक्सपेक्टेड लास्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर। तो अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं, तो अगर आप 98.5 परसेंटाइल से ऊपर रखते हैं, लगभग लगभग 99 परसेंटाइल तक रखते हैं, बेसिकली 98.5 जस्ट बॉर्डर लाइन होता है, जिसमें आपको सीसैप में जाके कहीं ना कहीं सीएसई मिल रही होती है, बट हाँ 98.9 या 99 परसेंटाइल आप अपनी रखते हैं बीइंग अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, मतलब आपके मार्क्स 200 के अप्रॉक्स आ रहे हैं, 200-210 के अप्रॉक्स, तो आपको एक अच्छी एनआईटी के अंदर सीएसई मिलने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अगर आप एक जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 98.6 से 98.7 के बीच में मिल जाएगा। अगर आप एक एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 96.5 से 97 परसेंटाइल के बीच में अच्छी एनआईटीज के अंदर सीएससी ब्रांच मिलने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। वहीं आप अगर एक ओबीसी कैंडिडेट है तो 98.4 98.5 परसेंटाइल के अराउंड आपको अच्छी एनआईटीज के अंदर सीएससी ब्रांच मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। कहां पे? 2022 जेईई मेंस के अंदर। तो अगर आप एक जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या जनरल कैंडिडेट हैं, तो जनरल कैंडिडेट के लिए आपको मार्क्स लाने होंगे 210 प्लस, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपको लाने होंगे 200 प्लस, ओबीसी के लिए आपको लगभग लगभग 200 के आसपास लाने होंगे, एससी एसटी के लिए आपको लाने होंगे 160 प्लस। इतने मार्क्स आपके आ जाते हैं जेईई मेंस 2022 के अंदर। तो आप अच्छी एनआईटीज के अंदर अपनी कैटेगरी वाइज सीट सिक्योर कर सकते हो सीएसई ब्रांच के अंदर, जिसका काफी ज्यादा स्कोप है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।